स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश ने अपना साम्राज्यवादी प्रसार किया और किन ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्यवादी प्रसार जैसे कदम को कारगर सिद्ध किया। तो ये चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है कि अब आप खुद सोचिए कि जब किसी एक शक्ति के द्वारा किसी एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया जाए तो उस विस्तृत क्षेत्र के प्रशासन के लिए, अपने सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने अधिकारियों को वेतन भत्ते देने के लिए उस शक्ति को क्या चाहिए, अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी। और इसी कारण जब ब्रिटिश को भी अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ी अपने अधिकारियों को वेतन भत्ते देने के लिए, अपनी जो सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो इन्होंने अपने धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया, जो भारत से जो भू राजस्व होता है, तो भू राजस्व को अपने आय का मुख्य स्रोत बनाया। और इसी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है, वह है स्थायी बंदोबस्त, अर्थात ब्रिटिश कालीन वे कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएं थी जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई ताकि अपने धन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिसके लिए उन्होंने अपने आय के स्रोत के रूप में भू राजस्व को एक गोल्डन चांस देखा कि भू राजस्व के माध्यम से ये अपने आय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो ये भू राजस्व नीतियाँ थी इसके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई, जिसमें से आपकी एक थी स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा आपकी दो और है, दूसरी है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरी आपकी जो व्यवस्था है भू राजस्व व्यवस्था, वह है आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। तो चाहे ये जो नीतियाँ थी ये तीनों आपकी क्या है, भू राजस्व प्राप्त करने की विभिन्न नीतियाँ जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई, तो चाहे ये नीतियाँ अलग अलग है लेकिन इन तीनों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक भू राजस्व की प्राप्ति इन तीनों नीतियों का मुख्य उद्देश्य था। या फिर आप कह सकते हैं कि तत्काल जो आपकी ब्रिटिश आवश्यकताएं थी, ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इन नीतियों को अपनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हमें नीतियों के बारे में पढ़ना है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो व्यवस्था थी किसके द्वारा शुरू की गई। तो स्थायी बंदोबस्त का जो यह अवधारणा है, सर्वप्रथम यह अवधारणा फ्रांसिस के द्वारा लाई गई, ठीक है, फ्रांसिस के द्वारा सर्वप्रथम अवधारणा लाई गई। लेकिन स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है इसका निर्माण आपके 1790 में कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। तो 1790 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त का जो पद्धति है इसका निर्माण किया गया, लेकिन इस पद्धति को जो पूर्ण रूप से स्थायी रूप कब दिया गया, 1793 में। तो 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को, जो इस व्यवस्था को एक स्थायी रूप दे दिया गया। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी स्थायी बंदोबस्त जो भू राजस्व व्यवस्था है यह कब से शुरू की गई, तो आपका आंसर क्या होगा, 1793, और किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो आपकी भू राजस्व व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं जिनके बल पर जो ब्रिटिश ने यह व्यवस्था अपनाई और इसके माध्यम से अधिक भू राजस्व की प्राप्ति की। तो पहले हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य अगर हम देखें तो सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था इस आपके किसी भी प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था को अपनाने का, सबसे पहला उद्देश्य क्या था आपका, ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ब्रिटिश आवश्यकता पूर्ति इसका सर्वप्रमुख
उद्देश्य था। इसके अलावा जो दूसरा उद्देश्य देखें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनका एक मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय भारत के एक वर्ग को अपने संपर्क में लाना, यानी कि अपने हित में जोड़ना, जो कि हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करे, हमारा सपोर्ट करे और उसके माध्यम से हम प्रशासन को चला सके, यानी कि अपने जो ब्रिटिश समर्थित वर्ग को तैयार करना, जो कि भारतीय वर्ग था, इस भारतीय वर्ग को ब्रिटिश के समर्थन में तैयार करना, ताकि यह जो भारतीय वर्ग है ब्रिटिश का प्रशासनिक कार्य करने में सहयोग कर सके और उनका पूरा सपोर्ट कर सके। और वह किस प्रकार, यह हम आगे समझेंगे। तीसरा हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक कठिनाइयों से बच गए, किस प्रकार अभी देखेंगे कि किस प्रकार जो स्थायी बंदोबस्त में जो भू राजस्व प्राप्त किया जाता था उसका जो पूरी जिम्मेदारी आपके एक समर्थक वर्ग यानी कि जमींदार के पास यह जिम्मेदारी थी कि वे किसानों से भू राजस्व प्राप्त करके ब्रिटिश सरकार को दोगे। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने एक क्या हुआ, प्रशासनिक कठिनाई से बच गई, यानी कि वे सीधे प्रत्यक्ष रूप से में किसानों के संपर्क में नहीं आए, वे किसानों यानी कि बिचौलियों यानी कि जमींदार के माध्यम से उन्होंने जो भू राजस्व की प्राप्ति की। तो प्रशासनिक कठिनाई से बचते हुए वे उन्होंने क्या किया, आर्थिक लाभ प्राप्त किया इस व्यवस्था से। तो जो प्रशासनिक कठिनाई से बचते हुए आर्थिक लाभ को प्राप्त करना भी इस जो स्थायी बंदोबस्त का एक उद्देश्य था। और जो चौथा और अंतिम इसका उद्देश्य है वह आपका कृषि का विकास करना। ये लिखने में क्या जाता है ना, हम कोई चीज़ बोल दे, बोलने में क्या जाता है जब तक उसकी पुष्टि ना हो। तो ऐसा ही एक कारण था कि इसमें कहा जरूर गया कि इसका उद्देश्य कृषि का विकास करना होगा, लेकिन हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार इस व्यवस्था के अपनाने से आपकी जो कृषि है यह बदहाली की स्थिति में चली गई थी। तो ये आपके मुख्य उद्देश्य जो है आपके अपनाए गए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। अब हम देखते हैं कि जो आपके स्थायी बंदोबस्त है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो पहले तो हम इससे कोरिलेट करते हैं ब्रिटिश समर्थित वर्ग, जो मैंने आपको बोला था इसका एक उद्देश्य है कि ब्रिटिश समर्थित वर्ग यानी कि मान लीजिए अब इन्होंने कहा है कि जमींदार को हम तैयार करेंगे, कि जमींदार को हम बोलेंगे कि आप जो भूस्वामी हैं, आप भूस्वामी पहले जो इस व्यवस्था को अपनाने से पहले जो भूस्वामी किसान होता था वैसे तो स्पष्ट नहीं होता था कि भूस्वामी कौन होगा, लेकिन व्यवहारतः भूस्वामी किसान होता था। लेकिन स्थायी बंदोबस्त जब से आया, इस बंदोबस्त के तहत इसकी विशेषता थी कि जो भूस्वामी है वह कौन बन गया, जमींदार बन गया, और उस जमींदार के माध्यम से ही जो ब्रिटिश सरकार है वे किसानों से भू राजस्व की वसूली करती थी। तो इस तरह का जो जमींदार वर्ग है वह देखें तो जमींदार जो है आपका एक ब्रिटिश समर्थित वर्ग बन गया, जो कि भारतीय होते हुए भी आपका ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहा है, किस प्रकार उन्हें प्रशासनिक कठिनाइयों से बचाते हुए, यानी कि जो किसानों से जो लगान की वसूली करता है वह जमींदार वर्ग करता है, जो कि लास्ट में जो वसूली लगान की वसूली करके किसे दे देगा, ब्रिटिश सरकार को उसका एक प्रतिशत अंश दे देगा, यानी कि जो निश्चित प्रतिशत अंश है वो ब्रिटिश सरकार को जमींदारियों यानी कि जो मध्यस्थ कौन हो गए आपके जमींदार, बिचौलिए जमींदार हैं जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अब लगान की वसूली होने लगी। इससे दो चीज़ हुई, एक फायदा क्या हुआ, एक तो यही हो गया आपका ब्रिटिश समर्थित वर्ग जो कि एक भारतीय था वो उनके सहयोग में अब खड़ा होने तत्पर दिखाई दिया, दूसरा वे इस तरह से क्या हुए, प्रशासनिक कठिनाइयों से बच गए और केवल उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त आपके ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल थे, आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र और उसके अलावा थोड़ा कर्नाटक क्षेत्र भी
इस पद्धति में शामिल था। तो इन क्षेत्रों में आपके स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है लागू की गई। अब इस नाम पर जाइए, इस व्यवस्था का नाम ही क्या है, स्थायी। यानी कि जो लगान वसूली थी वह निर्धारित की गई, वह स्थायी कर दी गई कि आप इतना ही हर साल हमें जो है लगान देंगे। और यह जो आधार किसे बनाया गया, स्थायी बंदोबस्त में लगान वसूली का आधार बनाया गया आपका सन 1790 और 91 का वर्ष। और इस वर्ष जो लगान वसूली की गई थी वह की गई थी 2,68,00,000 रुपए। और इसी को ही आधार बनाकर आपके हर साल जो है एक फिक्स यानी कि स्थायी कर दिया गया कि इसी को आधार बनाते हुए आपके जो भू राजस्व यानी जो लगान की वसूली की जाएगी। तो ये एक इसकी मुख्य विशेषता थी स्थायी बंदोबस्त की। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त इस प्रथा के तहत जो आपका भू राजस्व की प्राप्ति की जाती थी, उस भू राजस्व का जो प्रतिशत अंश निर्धारित था किसके बीच, आपके जमींदार एवं ब्रिटिश के बीच, जिसमें से जो भू राजस्व का जो एक निश्चित प्रतिशत अंश यानी कि जो आपका 10/11 जो हिस्सा होता था वह होता था ब्रिटिश सरकार का, जबकि भू राजस्व का केवल 1/12 जो प्रतिशत होता था वह किसका होता था, जमींदार वर्ग का होता था। तो आप यहाँ देख लीजिए, इनमें से अगर हम यहाँ देखें तो जो आपका उपज था, जितनी उपज जो किसान उगाता था, जो उसके पास उत्पादन आता था, तो उस उपज के वैसे तो 3 हिस्से होते थे जिसमें से एक किसान होता था, जमींदार, और उसके बाद है आपका ब्रिटिश सरकार। इन तीनों उपज के जो आपके हिस्सेदार हैं, इनमें से 2 हिस्सेदार यानी कि जमींदार और ब्रिटिश सरकार, इनका तो निश्चित था कि इनका इस उपज का एक निश्चित अंश इनको दे दिया जाएगा, लेकिन जो तीसरा वर्ग यानी कि जो आपका किसान वर्ग है उसके यह उसका निर्धारित अंश नहीं था, यानी कि जो उसका अंश है वह पूर्णतः आपके जमींदार पर निर्धारित था, निर्भर करता था जितना वह देना चाहे आपको किसानों को उपज का अंश दे सकता था। तो ये इसकी जो मुख्य हम ड्रॉबैक देखते हैं, तो इसके माध्यम से जो हम देखेंगे किसान जो है आपका पिछड़ता चला गया। उसके बाद एक और चीज, चूंकि आपकी यह व्यवस्था स्थायी थी तो इसके कारण क्या हो गया, पहले हम देखते थे यह व्यवस्था अपनाने से पहले जो आपका उपज था, जो आपका कर दिया जाता था वह उपज में से दिया जाता था, यानी कि जो भू राजस्व की प्राप्ति होती थी वह आपके उत्पादन का हिस्सा होता था। तो जितना उपज अगर अच्छी होगी तो भू राजस्व उसी के आधार पर लिया जाएगा, यानी कि आपका उपज के आधार पर भू राजस्व की वसूली होती थी। लेकिन इस नीति के तहत क्या किया गया, आपका निर्धारित किया गया कि आपका इतना तो हम भू राजस्व लेंगे ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि अब जो भू राजस्व था यह उपज का हिस्सा ना होकर क्या था, एक प्रकार का भूमि का किराया था, है ना, कि एक निश्चित अंश हो गया इतनी कि हम इतनी भूमि पर इतना भू राजस्व तो लेंगे ही लेंगे। तो ये थी आपकी ब्रिटिश जो कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई स्थायी बंदोबस्त, इसकी खास विशेषताएं, जो कि कब से शुरू हुई आपकी 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई। और एक और चीज बता दूं, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के जो यह व्यवस्था शुरू की थी इसमें सहायता प्राप्त की थी एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन शोर की। तो कई बार पूछ ले जाता है, आप नोट कर लें। तो स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस की मदद किसने की थी, जॉन शोर में, और यह जो व्यवस्था है आपकी 1793 में आई। तो ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त की मुख्य मुख्य बातें। अब देख लेते हैं कि इसके जो क्या प्रभाव पड़ा इसका हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था पर, हमारे जो ब्रिटिश सरकार को इससे क्या फायदा हुआ, तो एक बार देख लेते हैं, मूल्यांकन कर लें। तो स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश को तो ऑफकोर्स है स्वाभाविक है फायदा ही होगा। उन्हें क्या हुआ, उन्हें जो अपने ब्रिटिश आवश्यकता की पूर्ति अब सुचारू रूप से होने लगे। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इस व्यवस्था से उनके पास एक निश्चित अंश आने लग गया। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था कि चाहे आपदा आए, बाढ़ आए, सूखा आए, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास जो एक निश्चित अंश आएगा ही आएगा, है ना। तो एक निश्चित अंश उनके पास आ जाता था तो उन्हें इसका लाभ प्राप्त होता था। दूसरा हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्हें ब्रिटिश समर्थित वर्ग एक मिल गया था जो कि प्रशासन में उनकी सहायता करता था और प्रशासनिक कठिनाई अब उन्हें नहीं हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कृषि का विकास देखें तो कृषि का विकास वैसे तो उद्देश्य था लेकिन कृषि का विकास नहीं हुआ। क्यों,
क्योंकि हम देखते हैं कि जो आपके किसान वर्ग हैं इस पर इतना ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था कि यह लगान के नीचे दब जाता था, तो और इसके पास अब इतना धन नहीं रह जाता था कि यह अब कृषि के विकास के लिए कोई नई पद्धतियाँ या जो आप तकनीकें अपनाएं। तो कृषि के विकास के लिए किसान कोई जो तकनीक अपना नहीं पाया। अगर किसान को छोड़ दीजिए तो अगर हम जमींदार वर्ग की बात करें तो जमींदार वर्ग के लिए एक कानून अपनाया गया, लिख ले इम्पोर्टेंट कानून है, सूर्यास्त कानून। तो मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख रही हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। सूर्यास्त कानून, और इस सूर्यास्त कानून के तहत ब्रिटिश सरकार जमींदार वर्ग को कहती थी कि आपको जितने जमींदार इनके जितने भू आपको जितनी भूमि का भूस्वामी बनाया गया है आप उतने क्षेत्र से जो एक निश्चित तिथि तय कर दी जाती थी कि उस निश्चित दिन को सूर्यास्त से पहले आप क्या करेंगे, आप भू राजस्व की जो प्राप्ति किसानों से प्राप्ति करके हमें उसका निश्चित अंश वह प्रदान कर देंगे। तो यह था सूर्यास्त कानून जो कि जमींदारों के लिए लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसके तहत अगर जमींदारों द्वारा उनको ब्रिटिश सरकार तक लगान भू राजस्व का हिस्सा नहीं पहुंचाया जाता था तो जमींदार वर्ग की जो जमींदारी है वह नीलाम कर दी जाती थी, है ना। तो इसके कारण हम आगे चलकर देखते हैं कि चूंकि इस व्यवस्था में जो अत्यधिक लगान लगाया जाता था किसानों पर, इसलिए वे जमींदारों को लगान जो प्रदान नहीं कर पाते थे टाइम पर, जिससे कि जो आपके जमींदार वर्ग हैं इनकी भी हमें नीलामी देखने को मिली। और इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अपने क्षेत्र था वे दूसरे यानी कि दूर जो शहर में बैठे जो साहूकार थे व्यापारी थे यानी कि दूर के लोगों को अपना जो क्षेत्र था वह गिरवी रख दिया या फिर आप कह सकते हैं बेच दिया। यानी कि जो आपकी मध्यस्थता की जो जिम्मेदारी जमींदारों को ब्रिटिश अधिकार द्वारा दी गई थी वह मध्यस्थता की जिम्मेदारी अब जमींदारों के पास से कहाँ चली गई, दूर बैठे मध्यस्थों यानी कि साहूकारों और व्यापारों के पास चली गई। और जो दूर बैठे साहूकार और व्यापारी हैं उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि कृषि आपकी कैसी है, बदहाली की स्थिति में है या फिर इसका विकास हो रहा है। इन्हें सिर्फ मतलब था कि हम टाइम पर इनसे क्या ले लें, लगान की वसूली कर लें। और इनसे वे लगान की वसूली किससे करते थे, एजेंटों के माध्यम से करते थे। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो आपका कृषि जो है इसकी यह है आपके बदहाली की स्थिति में जाती रही जो कि एक नकारात्मक प्रभाव था भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर, है ना। और जब आपकी कृषि बदहाली की स्थिति में जाती रही तो आगे चलकर हम देखेंगे कि भारत को अत्यधिक जो आपदाओं यानी कि जो बाढ़ एवं जो सूखा यानी कि जो भूखमरी का भी शिकार भी होना पड़ा। तो ये था इसके बारे में। और इसके अलावा जो आपका ब्रिटिश समर्थित वर्ग था इन्हें भी यही एक वर्ग था जिन जो कि सशक्त हुआ इस दौरान, और इन्होंने यही एक वर्ग था जिसने आगे चलकर ब्रिटिश की जो ये नीतियाँ थी इसके विरुद्ध कदम भी उठाए। तो ये था पूरा आपका स्थायी बंदोबस्त के बारे में, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये आपकी विशेषताएं हमने देखने को मिली। इसके अलावा हमने मूल्यांकन किया है कि ब्रिटिश को इससे किस प्रकार फ़ायदा हुआ और इसका भारतीय जो कृषि है उस पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ा, भारत जो किसान है वे किस प्रकार बदहाली की स्थिति में इस स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पड़ गए। और एक और बात, ब्रिटिश जो सरकार थी उनका भी कहीं ना कहीं इस जो स्थायी बंदोबस्त से नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि आपका कृषि की जो लगान वसूली की जाती थी उसका एक निश्चित था कि आप सिर्फ इतना ही प्रतिशत की लगान की वसूली करेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में जब ब्रिटिश आवश्यकताएं बढ़ गई तो उनकी वे आवश्यकताएं एक निश्चित धन की प्राप्ति से पूरी नहीं हो पाई, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें भी नुकसान हुआ। तो ये था पूरा आपका स्थायी बंदोबस्त के बारे में। अगली वीडियो में हम मिलेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।